This program is sponsored by Orient Best Solutions Private Limited, Shimla Biryani Swad Zindagi Ka, Nirman Concrete, Amelia the Taste You Love, Kakita Leather Complex Standards Association, co-sponsored by Al Madina Tours and Travels, B Sizzlers Dresses Private Limited. মুন্না বাজপাই ও কমল ব্যানার্জি উদ্যোগে 21 জুলাই সমর্থনে খিদিরপুরে একটি মিছিল আয়োজিত হয়। খিদিরপুরে বাবুবাজার থেকে বিভিন্ন ওয়ার্ড ঘুরে মিছিল করা হয়। মিছিলে মূল আবেদন ইভিএমে পরিবর্তে ব্যালট চাই, এমনটাই জানান কমল ব্যানার্জি। আগামী 21 জুলাই দলে দলে যোগ দিতে সমস্ত ইউনিয়নকে একত্রিত করে এই মিছিল রাখা হয়। 21 জুলাই সমর্থন শহীদ দিবস, তো শহীদ স্মরণে, তো এটা আমরা বরাবরই করে আসছি। এবং আমাদের এখানে নিজস্ব সেন্ট্রাল অফিস আছে, যেখান থেকে আমরা সারা পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত অসংগঠিত শ্রমিক ইউনিয়ন এবং সংগঠিত শ্রমিক ইউনিয়ন আমরা পরিচালনা করি। অর্থাৎ আমরা বলতে আমি এবং মুন্না বাজপাই, ঠিক আছে। এবং আমরা প্রতি বছরই 21 জুলাই সমর্থনে মিছিল বার করি। এবারে মিছিলটা ছিল আজকের খিদিরপুর, তোমার হচ্ছে বাবুবাজার থেকে টামড়িপুর থেকে খিদিরপুর মোড় অবধি বিভিন্ন ওয়ার্ড ঘুরে আমাদের। এছাড়াও এবারের যে আমাদের ইভিএম আমরা চাই না, যেটা মমতা ব্যানার্জির কথা, ইভিএম আমরা চাইছি না, আমরা ব্যালট ফিরে আনতে চাইছি, যাতে ব্যালট ফিরে আসুক এবং ভোট সুষ্ঠুভাবে হোক এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হোক, সেইটা তো আমাদের আছেই একটা আবেদন। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আগামী 21 জুলাই ধর্মতলায় জনসমাবেশে যাতে প্রত্যেকটা মানুষ দলে দলে যোগ দেন, সেটাই আমাদের ইচ্ছা। এবং আমাদের তাই জন্য সমস্ত ইউনিয়নকে আমরা ডেকে নিয়ে এসে মিছিল করিয়েছি এবং তারা আগামী 21 জুলাই অবশ্যই যাবে। আমার নাম কমল ব্যানার্জি, আমি আইনটিডিসির একজন শ্রমিক। দেখি 21 জুলাই বল কে নেই, হামলোক 365 দিন আন্দোলন কর রে। 2014 মে যে বিজেপি কা সরকার আয়া হ্যায়, পহলে हम लोग वामपंथियों के लिए आंदोलन करते थे, क्योंकि वो लोग लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे। ममता बनर्जी 1993 में जब कांग्रेस की जुओ की सभापति थी, तो उनका एक कहना था नो आइडेंटिटी कार्ड नो वोट। तो आज उस समय सब कोई बोलता था, जितने वामपंथी नेता हैं, अरे ममता बनर्जी का ये क्या दावी है। लेकिन आज आप देखिए, अगर आपके पास वोटर आई कार्ड नहीं है तो आप वोट के लाइन में भी नहीं खड़े हो सकते। तो ये सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी के चलते हुआ है। और अब तक बार 2019 में ममता बनर्जी ने ये आह्वान किया है, सभी को बोला है, सभी राजनीतिक दलों को, क्योंकि ईवीएम मशीन एक ऐसा मशीन है कि उसके अंदर क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। आप देखिएगा, बहुत ऐसे राज्य है जहाँ पर लोकसभा का निर्वाचन हुआ है लेकिन उसके बाद पंचायत या काउंसिलर का इलेक्शन हुआ है तो उसका ठीक नेगेटिव उत्तर आया है। जहाँ कांग्रेस साफ हो गई थी वहाँ कांग्रेस 200 सीट लेकर आई है, जहाँ समाजवादी पार्टी खत्म हो गई थी वहाँ 150 सीट लेकर आई है। तो इसीलिए सभी राजनीतिक दल को ममता बनर्जी का आह्वान है और हमारा ये मानना है, हम लोग ये ममता बनर्जी के समर्थन में सभी को ये बोलना चाहते हैं कि अब ईवीएम नहीं, अब हम लोग अपना वोट खुद देंगे, क्योंकि हमारा वोट किसको जा रहा है ये हमको पता नहीं है। हमारा वोट क्या हमारे पार्टी को जा रहा है या किसी भी राजनीतिक दल को जा रहा है, क्योंकि भारतवर्ष में 2014 के बाद से लेकर 2019 में बहुत से लोग मारे गए, जो लोग बहुत गुस्से में हैं, फिर भी बीजेपी कैसे आ गई। तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों का मानना है, हमें ये शक है कि मशीन में कुछ छेड़छाड़ हो रही है। तो हमारा वोट, अपना वोट हम खुद देंगे और बैलेट से देंगे। इसी दावी पर हम लोग 21 तारीख को और साथ ही साथ जो लोग शहीद हुए थे उनकी याद में उनके लोगों को प्रत्येक वचर ममता बनर्जी सम्मान देती हैं, हम लोग जाएंगे। और 2019 में जो एक एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि ये वोट नहीं हुआ है, कहीं पैसे से वोटर खरीदे गए हैं, कहीं मशीन बदली गई है, तो उसके प्रतिवाद में हम लोग उतरेंगे। और आपको पता है कि 21 जुलाई के बाद तृणमूल का जोरदार आंदोलन होगा, तो इस आंदोलन में ममता बनर्जी के हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ में खड़े हैं। और हमेशा ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस और हम लोगों के गार्जियन फिराद हकीम जैसा निर्देश देंगे उस तरह हम लोग आगे भी मीटिंग मिचिल प्रतिवाद मिचिल करेंगे। बाजपेयी, हम INTTUC के कोर कमेटी के मेंबर हैं और पश्चिम बंगो प्रगतिशील हॉकर यूनियन के राज्य के जनरल सेक्रेटरी हैं।